अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैयदा हाजबाज किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं न्यू रेसिपी लेकर आपके पास दोबारा हाजिर हुई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी दम आलू। तो सबसे पहले मैंने तेल गरम कर लिया है, करने रखा है, और जितनी देर में तेल गरम हो रहा है उतनी देर में मैं आलू काट लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि कितना आलू लिए और कैसे हमें काटने हैं, फिर आगे मैं बताती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना है कि वीडियो पे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते हैं, आप लोग व्यूज़ लाया करें। इतनी मेहनत से बनाती हूँ वीडियो क्योंकि मुझे बहुत शौक है, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोग के आगे और अच्छी अच्छी रेसिपी ला सकूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बढ़वाएँ और व्यूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ ताकि मुझे भी खुशी हो ना, मैं खुशी से खाना बनाऊं। चलें फिर वीडियो आगे बढ़ाती हूँ मैं। तो फिर आलू जब तक छील लेती हूँ, जब तक ये तेल गरम करने हमने रखा है। ये देखिए, जैसा कि 1 किलो आलू लिए, बिल्कुल इस तरह हमने कटिंग कर लिए हैं, इस तरह आपको कटिंग करने हैं। तो आधे आधे करके आलू हम ना तलेंगे, बिल्कुल आराम से आलू डालिएगा कि तेल ना उड़े। हम आलू तमाम तल लेंगे, अच्छी तरीके से फ्राई करने हैं, फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए, थोड़े से आलू डाल के थोड़े बाद में डालूंगी मैं, जितने आपके फ्राई पैन में आलू हैं आप इतने डालिएगा, ठीक है। तो इस तरह मैं आलू ये तल लूंगी, सारे आलू अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखें इस तरीके से हमें लाल लाल तलने हैं, हमारे आलू अच्छी तरीके से तल गए हैं। तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए, इसको हम इस तरह प्लेट में निकाल लेंगे और जो आलू पीछे रखे हैं फिर वो मैं तल लूँगी। ये देखिए इस तरह तलने हैं, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं लाल लाल। ये देखिए, हमने आलू अच्छी तरीके से फ्राई करके निकाल लिए हैं। 1 किलो आलू लिए थे जैसा कि, ये देखिए, ऐसा ना कि आप उबाल कर इसके छिलके उतारें, उबालना नहीं है आलू को, बस ऐसे ही फ्राई करना है। अब ये जिस तरह के तेल है, तेल में मैं डालूंगी तमाम मसाले। पहले मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ कि क्या क्या मसाले लेने हैं, आगे मैं आपको रेसिपी बता। ये देखें, जैसा कि तेल थोड़ा बहुत आप निकाल लीजिएगा, ऐसा ना आपका आलू तेल में तैर रहे हो। तो जैसा मैंने तेल निकाल लिया है, अब ये देखें अदरक 1 चम्मच हमने पीस ली थी, तो इसको अदरक को मैं भून लूँगी। ये अदरक को भूनने के बाद फिर मैं मसाले डालूँगी। ये देखें, बिल्कुल हल्के चूल्हे पर आप अदरक भून लें। जिस तरीके से आप कटोरी लें तो इसमें पिसा हुआ धनिया हम डालेंगे 2 चम्मच। ये देखिए, पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच डाला। और ये देखें, जैसा कि काली मिर्च हम लोग ने पीस ली है और सौंफ पीस लिए, सौंफ डालेंगे हम 1 चम्मच भर के। और ये 2 चम्मच आप डाल दीजिएगा, जैसे कि 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 2 चम्मच पिसी हुई सौंफ और 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें, और साथ साथ हल्दी डाल लेंगे, हल्दी लेंगे बस 1/2 चम्मच। ये देखें, बिल्कुल 1/2 चम्मच से बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी लेनी है और 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये देखिए, अब ये मसाले जो हमने तमाम मिला लिए हैं ये मैं डालूंगी तेल में। ये देखें, जैसा कि लाइट ऑन हो गया, तो ये तमाम मसाले हम डाल लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। हम रोटी के साथ खाते हैं ज़्यादातर, रोटी के साथ ही अच्छा लगता है। अब फिर दही हम डालेंगे 1 पाव। 1 पाव दही में हसबे जायका नमक डाल के फिर इसमें डाल लूँगी। इसके बाद आलू डालेंगे, जैसा कि मैंने कहा था 1 पाव दही लेंगे, इसमें 7 नमक डालूँगी मैं हसबे जायका। ये देखिए,
हसबे राय का नमक ले लिया और मिक्स कर लेंगे हम, और फिर ये मिक्सचर में मैं डाल दूंगी। ये देखिए अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे, फिर मैं डाल दूंगी आलू। देखिए जैसा कि मैंने दही डाल के थोड़ा सा भून लिया था, और थोड़ा सा हम चूल्हा भी तेज कर लेंगे, और फिर मैं डाल दूंगी आलू। बिल्कुल एहतियात से डालिएगा। ये देखिए इस तरीके से हम मसाला अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा जायका आ रहा है, जायका क्या खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी, जायका भी बहुत मज़ेदार होगा। ज़रूर घर में ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसे बने थे आपके कश्मीरी दम आलू, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोशिश करूँगी इंशाल्लाह जो आपका कमेंट आया तो वो मैं रेसिपी बता सकूँ मैं आपको। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिए हैं, और हरी मिर्च आपकी मर्ज़ी आप डालें या ना डालें, तो मैं हरी मिर्चियाँ डालूँगी। इसको दिखाती हूँ आपको हरी मिर्चियाँ डालते हुए। ये देखिए हम डाल हरी मिर्चियाँ काट लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से काटनी है। हरी मिर्चें आप दो ले लें, भले एक लेना चाहें तो एक भी ले सकती हैं। हरी मिर्चों को पहले धो लीजिएगा। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी दोबारा, और फिर हल्की आंच पे पकने रख दूँगी। बस ये तैयार है हमारे कश्मीरी दम आलू, थोड़े से दम पर आ जाएं, फिर हरा धनिया में ऊपर से गार्निश कर लूँगी। ये देखिए बस 5 मिनट मुश्किल से हमने इसको दम पे लगाया था, बस ये धनिया में ऊपर से गार्निश कर लूँगी। हमारे कश्मीरी दम आलू तैयार हैं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल आसान है। घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसे बने हमारे आलू। तो ये देखिए हमारे कश्मीरी दम आलू तैयार हैं। ये देखिए अब मैं इसका चूल्हा भी बंद कर दूंगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दोस्तों वगैरह को भी शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।